शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बाद अब एक और सांसद के विमान यात्रा के दौरान बर्ताव पर विवाद खड़ा हो गया है। टीएमसी सांसद डोला सेन पर विमान यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन ना करने का आरोप लगा है। इस विवाद के कारण दिल्ली से कोलकाता की एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ान भरने में तकरीबन 40 मिनट की देर हो गई। शिशिर सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। शिशिर, और क्या आरोप लगे हैं सांसद महोदय पर? देखिए, डोला सेन ने अपनी माँ और अपने एक सहयोगी के लिए जो है मेक माई ट्रिप वेबसाइट के जरिए उन्होंने टिकट बुक किया था, और वो भी जो फ्रंट रो होते हैं इकोनॉमी क्लास में, वो जो कि इकोनॉमी जो आपका इमरजेंसी एग्जिट होता है वहाँ पे है। क्योंकि इनकी माँ व्हील चेयर बाउंड है, और जो सुरक्षा नियम है वो ये कहता है कि जो व्हील चेयर बाउंड पैसेंजर होते हैं उनको इमरजेंसी एग्जिट के लिए नहीं बिठाया जाता है। इस पर क्रू ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद जाकर के सारे यात्रियों ने भी कहा कि आपकी वजह से ये देरी हो रही है, और अभी गायकवाड़ का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद एयरलाइन ने ये भी उनको ऑफर किया कि जो आपकी मदर हैं उनके लिए बिजनेस क्लास में एक सीट दी जाए, लेकिन इसके लिए राजी नहीं हुए थे। अंत में कैप्टन ने अपने जोखिम पर जो है उन तीनों यात्रियों को जो है वो कलकत्ता के लिए वो उड़ान भरने के लिए राजी हो गए, लेकिन इस पूरे मामले की वजह से लगभग 40 मिनट की जो है वो फ्लाइट में देरी हुई, और अब ये फ्लाइट जो है वो कलकत्ता लैंड कर चुका है। एयरलाइन का कहना है कि अभी इस मामले पर विचार चल रहा है कि उस पर्टिकुलर पैसेंजर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है। शिशिर, लेकिन ये बात समझ से परे है, लगातार इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जब टीएमसी के सांसद चाहे शिवसेना के सांसद अपने हिसाब से फ्लाइट के रूल्स रेगुलेशन बनाने लग रहे हैं, और इसी वजह से सवाल खड़ा हो रहा है कि ये क्या ताकत का प्रदर्शन भी है एक तरह का। फिलहाल इस पर जैसे ही टीएमसी की ओर से बयान आता है आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सुरक्षा नियम का पालन नहीं करने का आरोप लगा है टीएमसी के एक सांसद के ऊपर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।